नमस्कार, मैं अंकिता दुधर आप सबका स्वागत करती हूँ हमारा ये स्पेशल कार्यक्रम जिसका नाम है सावन महीने का महत्व। आज हम आपको बताएंगे कि सावन के महीने में आप क्या करें क्या ना करें और सावन के महीने का महत्व क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे शुभ महीना माना गया है। इस दौरान शिवजी पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने सभी भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। वहीं कुछ लोग इस दौरान पड़ने वाले सभी सोमवार का व्रत रखते हैं। हिंदू धर्म में सावन का विशेष धार्मिक महत्व होता है। श्रावण मास को साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। बहुत से लोग इस माह को सावन का महीना भी कहते हैं। सावन में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। सोमवार के दिन भगवान शंकर की आराधना का विशेष महत्व होता है। यही कारण है कि श्रावण मास में सोमवार के दिन का बहुत महत्व है। इस वर्ष की खास बात यह है कि श्रावण मास की शुरुआत सोमवार के दिन हुई है। धार्मिक मान्यता है कि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है। ऐसा कहते हैं कि इस महीने में शिव भक्ति करने पर भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये हिंदू कैलेंडर का पांचवा महीना है, जो देवों के देव महादेव और उनकी अर्धांगिनी देवी पार्वती को समर्पित है। शिव भक्त पूरे महीने उनकी विशेष पूजा करते हैं और सोमवार को व्रत रखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना को जल्द ही पूरा कर देते हैं। सावन के दौरान महादेव ही समस्त सृष्टि का संचालन करते हैं, क्योंकि इस दौरान जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। भगवान विष्णु के सायन काल को चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास चार महीने के लिए होता है। सावन माह में कावड़ यात्रा भी की जाती है, जिसे विशेष पुण्यकारी माना गया है। सावन में की जाने वाली कावड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त कावड़ कंधे पर लेकर हरिद्वार से गंगा जल लेने जाते हैं और वहां से जल लेकर अपने आसपास के शिव मंदिरों में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। सावन में सोमवार का व्रत रखने के लिए प्रातः जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के पूजा घर या मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान की पूजा मंदिर या घर में ही की जा सकती है। मंदिर या घर में विधि विधान से शिवलिंग की पूजा करने के बाद अभिषेक करें। इसके बाद महादेव को सफेद चंदन लगाएं और उन्हें भांग, धतूरा, बेलपत्र, आकड़ा आदि चीजें चढ़ाएं। फिर भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद सावन सोमवार व्रत की कथा सुने और भगवान शिव की आरती करें। अंत में फिर भोग लगाएं। ध्यान रखें कि व्रत वाले दिन सुबह शाम दोनों समय शिवजी की पूजा करनी है। सावन सोमवार व्रत में शिवलिंग का जल से अभिषेक जरूर करना चाहिए। इस व्रत में एक ही समय भोजन किया जाता है। व्रत रखने वालों को फलहार करना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों को दिन में सोना नहीं चाहिए। हालांकि अगर आप व्रत ना भी कर रहे हो तो भी आपको इस माह के नियम का पालन जरूर करना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, मंदिर को प्रतिदिन साफ करें, शिव मंदिर में जाएं और जल, दूध, चीनी, घी, दही और शहद से भगवान शिव का अभिषेक करें। ज्यादा से ज्यादा पानी पीकर हाइड्रेटेड रहें।
संतुलित और पौष्टिक भोजन ग्रहण करें, ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करें, धार्मिक कार्यों पर जोर दें, गरीबों को भोजन कराएं। सावन में सोमवार के दिन शिव मंदिर जाके शिवलिंग पर जल अभिषेक जरूर करें। जल अभिषेक के लिए आपको जल में गंगा जल और दूध की कुछ बूंदे अवश्य मिलानी चाहिए। इससे भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। सावन में शिवलिंग पर चंदन और बबूत लगाना बेहद शुभ माना जाता है। भगवान शंकर की विशेष उपासना के लिए उन्हें सावन का महीना समर्पित किया गया है। वहीं शिव भक्तों के लिए सावन का महीना बहुत ही खास और पवित्र होता है। इस पूरे माह वे अपने आराध्य देवों के देव महादेव की बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन का महीना भोलेनाथ को अत प्रिय है और इस माह में वे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस साल सावन में 4 मंगलवार गौरी व्रत पड़ने वाले हैं। ये व्रत मंगलवार को रखा जाता है। पहला मंगलवार गौरी व्रत 23 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा 30 जुलाई, तीसरा 6 अगस्त और चौथा 13 अगस्त को होगा। इस वर्ष सावन नक्षत्र और प्रीति योग में श्रावण मास शुरू हो गया है। प्रीति योग सावन माह के प्रथम दिन सुबह से 5:88 शाम तक रहेगा। श्रावण नक्षत्र सुबह से लेकर रात्रि 10:21 तक रहेगा। इस बार पड़ने वाला सावन सोमवार व्रत की तिथि इस प्रकार है। प्रथम सावन सोमवार व्रत 22 जुलाई को है, दूसरा व्रत 29 जुलाई को है, तीसरा व्रत 5 अगस्त को है, चौथा व्रत 12 अगस्त को है और पांचवा व्रत 19 अगस्त को है। आइए आपको बताते हैं कि इस सावन के महीने में आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तामसिक भोजन, मांस, अंडे, लहसुन और प्याज खाने से बचें। इस माह में शराब का सेवन गलती से भी ना करें। सावन में दूध पीने से बचें। किसी के साथ गलत व्यवहार करने से बचें। किसी के बारे में गलत बातें ना बोलें। तामसिक चीजों से दूर रहें। शिव पूजा में हल्दी शामिल ना करें। शिव जी को केतकी का फूल चढ़ाने से बचें। इस पावन मास में भक्त माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं। श्रावण मास में श्रद्धालु सोमवार के दिन व्रत रखते हैं और भगवान शिव की शुद्ध मन से पूजा करते हैं। अविवाहित बालिकाएं श्रावण के हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखती हैं। कुछ लड़कियां जीवन साथी पाने के लिए सोमवार व्रत करती हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। आइए अब जानते हैं कि आखिर शिव जी की आराधना का ये विशेष माह उन्हें प्रिय क्यों है। क्या आपको पता है एक पौराणिक कथा प्रचलित है जिसमें सनंत कुमारों द्वारा भगवान शिव से सावन माह के प्रिय होने का कारण पूछा। तो भगवान शिव ने इसका उत्तर दिया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति द्वारा अपने देह का त्याग किया, उससे पहले देवी सती ने महादेव को प्रत्येक जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने राजा हिमाचल और रानी मैना के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया और पार्वती के रूप में देवी ने अपनी युवावस्था में सावन के महीने में अन्न जल त्याग करके निराहार रहते हुए कठोर व्रत किया था। माँ पार्वती के इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया। तभी से भगवान महादेव को सावन का महीना अति प्रिय है। इसके अलावा सावन मास के बारे में ये भी मान्यता है कि भगवान शिव सावन के महीने में धरती पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे
और वहां उनका स्वागत देकर जल अभिषेक कर किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं, इसीलिए भक्तगण इस महीने में उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, जिससे उन्हें शिव जी की अपार कृपा प्राप्त हो सके। सावन माह को शिव भक्ति के लिए उत्तम माना गया है। इसके अलावा एक और कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार मार्कंडेय ऋषि के पुत्र मार्कंडेय द्वारा लंबी आयु प्राप्त करने के लिए सावन माह में ही घोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त की थी। इससे उन्हें ऐसे मंत्र शक्तियां प्राप्त हुई जिसके आगे यमराज भी नतमस्तक हो गए। इन्हीं कारणों की वजह से भगवान शिव जी को सावन माह अति प्रिय है। अगर कोई भी शिव भक्त 16 सोमवार के व्रत शुरू करना चाहता है तो सावन के इस पावन महीने में वो शुरू कर सकते हैं। सावन में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के अलावा मन वांछित फल पाने के लिए सोमवारी और मंगला गौरी व्रत भी रखा जाता है। शिव पुराण में सोमवारी व्रत की महिमा का वर्णन मिलता है। सावन माह से 16 सोमवार की शुरुआत करना सबसे शुभ माना जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों ही सावन सोमवार का व्रत रखते हैं। सावन सोमवार का व्रत करने से विवाहित महिलाओं को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वहीं कुंवारी कन्याओं को मन चाहा वर मिलता है। हर बार सावन में 4 सोमवार पड़ते हैं, लेकिन इस बार सावन के महीने में 4 नहीं बल्कि 5 सोमवार पड़ने वाले हैं। सावन सोमवार पर भक्त देश भर से कई शिव मंदिरों में पहुंचते हैं। हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में सावन के दौरान भारी संख्या में शिव भक्त दर्शन करने के लिए उमड़ते हैं। सावन महीने का पहला सोमवारी का व्रत 22 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। इसके बाद 29 जुलाई 2024 को दूसरा सोमवारी व्रत, फिर 5 अगस्त 2024 को तीसरा सोमवारी व्रत रखा जाएगा, वहीं 12 अगस्त 2024 को चौथा सोमवार है और 19 अगस्त 2024 को सावन का आखिरी सोमवार का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सावन पूर्णिमा भी है। भक्तों का मानना है कि इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से लाभ, समृद्धि और मन की शांति होती है। भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने के लिए लोग तरह तरह की प्रार्थनाएं और व्रत रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण समारोह में से एक शिवलिंग पर जल अभिषेक या जल चढ़ाना है। ये कार्य पवित्रता और दान के प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों में श्रावण मास के महत्व को विस्तार में बताया गया है। बताते हैं कि देवशयनी एकादशी के बाद सृष्टि के संचालन का पद्मभार भगवान शिव के हाथों में आ जाता है और आषाढ़ माह के बाद सावन महीना शुरू होता है। ऐसे में इस पवित्र महीने में भगवान शिव की उपासना करने से बल, बुद्धि, विद्या, आरोग्यता, धन, ऐश्वर्य इत्यादि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस महीने में भगवान शिव का रुद्र अभिषेक करने से व्यक्ति के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में ग्रह दोष है, उन्हें सावन महीने में भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए और साथ ही दान पुण्य भी करना चाहिए। दान पुण्य करने से भी विशेष लाभ मिलता है। भगवान शिव को समर्पित सावन का पावन महीना चल रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी महीने भगवान शिव को वर के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने घोर तपस्या की थी। भगवान शिव को ये महीना अति प्रिय माना जाता है, इसलिए सावन के पूरे महीने शिव जी और माँ पार्वती की पूरी श्रद्धा के साथ उपासना करने से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं।
कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। इसलिए अगर आप भी सावन के महीने में भोलेनाथ की कृपा दृष्टि अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं, तो आने वाले 27 दिनों तक शिवलिंग पर इन 6 में से कोई भी चीजें अर्पित करें। सबसे पहले आपको बताते हैं शमी का पत्ता। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा के दौरान शमी के पत्ते का इस्तेमाल करें। मान्यता है कि शिवलिंग पर शमी का पत्ता चढ़ाने से शनि का प्रकोप से बचने में मदद मिलती है। इसलिए अगर आपकी राशि कर्क, वृश्चिक, कुंभ, मकर या मीन में से कोई एक है, तो आपको शिवलिंग पर शमी का पत्ता जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे शनि की 7.5 का प्रभाव कम हो जाता है। आइए आपको दूसरी चीज बताते हैं, बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को बेहद प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बेलपत्र का पेड़ माता पार्वती के पसीने की बूंद से उत्पन्न हुआ है। माना जाता है कि मंदार पर्वत पर पार्वती माँ का पसीना गिरने से बेलपत्र का पेड़ उत्पन्न हुआ। इसलिए पूजा करते दौरान शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। अगली वस्तु है काला तिल। शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाने से शनि देव का बुरा प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए शनि की 7.5 से परेशान जातकों को सावन के पूरे महीने शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाना चाहिए। हरे मूंग की दाल। सावन के महीने में शिव पूजा में आप हरे मूंग की दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई मनोकामना है तो हरे मूंग को 108 दाने गिनकर और धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। अक्षत। भगवान शिव की पूजा में अक्षत का इस्तेमाल किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने से धन धान्य में वृद्धि होती है। अक्षत चढ़ाते समय ध्यान रखें कि चावल के दाने टूटे ना हो। कनेर का फूल। भगवान शिव को कनेर का फूल पसंद है, इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन के पूरे महीने शिवलिंग पर कनेर का फूल चढ़ाएं। गंगा जल। शिव जी की मात्र जल अभिषेक से भी खुश हो सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो पानी में गंगा जल मिलाकर भगवान शिव का पूरी श्रद्धा के साथ अभिषेक करें। शिव जी गंगा जल के अभिषेक से भी प्रसन्न हो सकते हैं। सावन में मौसमी बदलाव के कारण हमारी पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा पाचन तंत्र सूर्य पर निर्धारित होता है। वही सावन के महीने में सूरज बहुत कम ही निकलता है, जिस कारण पाचन तंत्र कमजोर पड़ने लगता है। इसी वजह से सावन में व्रत करने का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि व्रत करने से हमारे पाचन तंत्र को कुछ विराम मिलता है और शरीर के दूषित पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं। इस प्रतिक्रिया को अंग्रेजी में डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। साथ ही व्रत से प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। सावन मास शिव पूजा की कथा समुद्र मंथन से संबंधित है, जो श्रावण मास के दौरान किया जाता है। समुद्र मंथन के दौरान निकले 14 तत्वों में से हलाहल विष को भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए पी लिया था। उन्हें नीलकंठ के रूप में जाना जाने लगा, क्योंकि उन्होंने विष को अपने गले में धारण किया था, जो घातक विष के कारण नीला हो गया था। श्रावण मास के दौरान शिव पूजा भगवान के लिए एक प्रस्तुति है, जो हमेशा अपने अनुयायियों को सभी खतरों और बीमारियों से बचाता है और अच्छे स्वास्थ्य और भाग्य प्रदान करता है, जिसे इस प्रकार भी जाना जा सकता है। शिव भक्तों के लिए सावन का महीना खास होता है। चारों ओर शिव शंभू की गूंज सुनाई देती है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का,
और सावन के इस पावन महीने में मैं यही मनोकामना करती हूँ कि आप सभी की मनोकामनाएं जरूर पूरी हो। तब तक के लिए नमस्कार। सावन का महीना पावन कर सोर, जियरा रे झूमे से जैसे बन माना चल।